फहश फिल्मों की साबिक लबनानी नजाद अमरीकी अदाकारा को टिकटॉक पर ख्वातीन को तलाक के मशवरे देना महंगा पड़ गया। सार्फीन ने कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मियाँ खलीफा दो बार शादी और एक बार मंगनी कर चुकी हैं और उनका हर रिश्ता कुछ ही अरसा चला और अब वो एक बार फिर अकेली है। हालिया दिनों अपने टिकटॉक अकाउंट पर मियाँ खलीफा ने अपनी शादियों के मुतालिक बताते हुए कहा, मेरी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई और 21 साल की उम्र में मेरी तलाक हो गई। दूसरी शादी 25 साल की उम्र में हुई और 28 साल की उम्र में तलाक हो गई। तीसरी बार 29 साल की उम्र में मैंने मंगनी की जो सिर्फ एक साल चली और 30 साल की उम्र में टूट गई। मियाँ खलीफा ने कहा कि मैं ख्वातीन को नसीहत करूंगी कि शादी को फंदा मत बनने दें। जो शादी नहीं चल सकती उसे ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश मत करें। हमें इन मर्दों को छोड़ते हुए खौफजदा नहीं होना चाहिए। शादी को ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम हमेशा के लिए किसी मर्द के साथ चिपक कर रहे हैं। जिस रिश्ते से आपको खुशी नहीं मिल रही उसे तोड़ डालिए। अदाकारा की तरफ से ख्वातीन की तलाक के लिए हौसला अफजाई करना इंटरनेट सार्फीन को एक आंख नहीं भाया और उन्होंने अदाकारा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अक्सर सार्फीन का कहना है कि अदाकारा का अपना हर ताल्लुक नाकाम हुआ है और अब वो चाहती है कि दूसरी ख्वातीन भी तलाक लेकर अपने घर बर्बाद कर ले। इनकी ख्वातीन को तलाक की नसीहत मुजहका खेज है।